के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। नमाजियों ने ईदगाह में अदा किया ईद उल अजहा की नमाज, मुल्क में अमन चैन के लिए मांगी दुआ। राज्यपाल राम नाईक 24 अगस्त को आएंगे गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। ईद उल अजहा बकरीद का त्यौहार शांति और सौहार्दपूर्वक माहौल में हुआ संपन्न, डीएम और एसएसपी ने ईदगाहों पर पहुंचकर लिया व्यवस्था का जायजा। स्वस्थ जीवन जीना है तो अल्कोहल युक्त पदार्थों और कोला पदार्थों का सेवन करें बंद, प्रतिदिन करें व्यायाम। चिकित्सकों की कार्यशाला में जोड़ों के दर्दों के समाधान और उपाय के बारे में किया गया चर्चा। विद्या भारती द्वारा आयोजित हुआ 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता, महिला आयोग की अध्यक्ष अंजू चौधरी सहित अन्य वक्ताओं ने खिलाड़ी प्रतिभागियों को खेलकूद के प्रति किया प्रेरित। पाकिस्तान की आर्मी चीफ से गले मिलने और अपने बचाव में गलत बयानबाजी करने के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का फूंका प्रतीकात्मक पुतला। पदयात्रा को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश महासचिव ने कार्यकर्ताओं के साथ किया बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। कांस्टेबलों द्वारा माफी मांगने के बाद डॉक्टर और स्टाफों ने शुरू किया इमरजेंसी सेवा, प्रमुख अधीक्षक ने कहा जब पुलिस के लोग ही दुर्व्यवहार करेंगे तो उनसे सुरक्षा कौन करेगा। और बुधवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, कुछ समय जल जमाव से जूझते दिखे लोग।